के मेल अकाउंट के ऊपर यहाँ पे बॉम्ब रखा गया है, ऐसा मेल आया है। और ये ईमेल सिर्फ नवी मुंबई के लिए नहीं, ये पूरे भारत भर में जो इनऑर्बिट के मॉल्स हैं इसलिए आए हैं। पुलिस की प्राथमिकता है कि ऐसा अगर मेल आता है तो बॉम्ब शोध पथक के माध्यम से पूरे परिसर का परिसर की जांच करना और ऐसा यहाँ पे बॉम्ब रखा गया है उसे ढूंढना, ये उनकी प्राथमिकता। इसलिए सभी लोगों को मॉल से बाहर निकालना और अगर नागरिक बाहर से आ रहे हैं तो उनको रोकना और स्टाफ को भी बाहर निकालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मूव है। और हम सभी नागरिकों ने इस उनके जो बॉम्ब ढूंढने की प्रक्रिया है या सच जानने की प्रक्रिया है उसके लिए उनको सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग पैनिक हो गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए कि ये सिचुएशन है, ये अलर्ट है कि अगर ऐसा कोई मेल आता है तो प्रिकॉशन के तौर पे पूरे मॉल को वैकेंट करना, और वैकेंट करने के बाद में जो पुलिस डिपार्टमेंट या बॉम्ब शोध पथक है उनके माध्यम से सभी जगह पे जाके उसको ढूंढना, और उस पर अगर वो एश्योर्ड है कि यहाँ पे बॉम्ब नहीं है उसके बाद में लोगों को इन्फॉर्म करना। फिर कुछ समय के बाद में एक रेगुलर इस मॉल की मूवमेंट शुरू होगी, लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक यहाँ से लोगों ने दूर रहना, स्टाफ ने दूर रहना, ये उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए नागरिकों ने भी और स्टाफ ने भी सहकार्य करना चाहिए।